आप विराजमान हुई हैं उसके बारे में अवगत करें। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उर्दू दिवस की पूर्व संध्या पर, जो कि 8 तारीख को इसका आयोजन था। वैसे तो अल्लामा इकबाल के जन्म दिवस पर 9 तारीख को इसका आयोजन होता है, लेकिन ये कार्यक्रम उसकी पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया और उसमें बतौर मुख्य अतिथि माननीय दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ने भाग लिया और उन्होंने सबको बहुत ही प्रोत्साहित किया इस कार्यक्रम में आकर। क्योंकि ये कार्यक्रम उर्दू का कार्यक्रम था, उर्दू भाषा को बढ़ावा देने का कार्यक्रम था, क्योंकि उसके जन्मदिन पर था। वैसे भी अंग्रेज़ी ने उर्दू और हिंदी दोनों बेटियों को भारत में ख़त्म लगभग कर दिया है, बहुत छोटा कर दिया, तो आज हमको हिंदी और उर्दू दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय दिनेश शर्मा जी ने यहाँ पर आकर कई लोगों को सम्मानित किया, जिसमें कि उत्तर प्रदेश लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नैयर जलालपुरी जी और एक प्रोफेसर शारिफ रिदौलवी जी थे, जिसमें श्री सरदार परमिंदर सिंह जी थे जी। और उसके अलावा भी कई राइटर थे जिन्होंने, जो कि उर्दू के क्षेत्र में लिखते हैं, उन सबको सम्मानित वहाँ किया गया। एक आईएएस भी थे संजय मिश्रा जी, तो उनको भी सम्मानित किया गया। तो इस तरह से उर्दू के क्षेत्र में काम करने वालों को सम्मानित किया गया और उन्होंने ये भी हम लोगों को अश्योर किया माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कि हम उर्दू भाषा के उत्थान के लिए और इसकी उन्नति के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे जी। आगे अभी भी फखरुद्दीन अली अहमद जो कमेटी है जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था उसमें फंड है, लेकिन कम फंड है, और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए आगे आपको मदद करने की, उन्होंने हम लोगों से कहा कि हम करेंगे जी। तो मैम, उस कार्यक्रम में क्या किस किस अधिकारियों को, पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया होगा? हाँ, वो मैंने आपको नाम बताया अभी के, जिनको जिनको सम्मानित किया गया ये लोग थे, इनका नाम बताया मैंने। तो माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी महोदय जी ने ये कहा है कि हम बढ़ावा देंगे उर्दू को, बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अपने बहुत बिजी शेड्यूल के बावजूद वो इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने कहा कि उर्दू भारत की बेटी है, उर्दू का जन्म भारत में हुआ, इस भाषा को किसी धर्म से, और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए आगे आपको मदद करने की, उन्होंने हम लोगों से कहा कि हम करेंगे जी। तो मैम, उस कार्यक्रम में क्या किस किस अधिकारियों को, पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया होगा? हाँ, वो मैंने आपको नाम बताया अभी के, जिनको जिनको सम्मानित किया गया ये लोग थे, इनका नाम बताया मैंने। तो माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी महोदय जी ने ये कहा है कि हम बढ़ावा देंगे उर्दू को, बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अपने बहुत बिजी शेड्यूल के बावजूद वो इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने कहा कि उर्दू भारत की बेटी है, उर्दू का जन्म भारत में हुआ, इस भाषा को किसी धर्म से ना जोड़ें, क्योंकि उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं है, इसको पालने और पोसने वाले ज़्यादातर भारतीय हैं, जिसमें मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम ज़्यादा लोगों ने लिखा है, किताबें लिखी। अगर आप पुरानी किताबें उठाएंगे तो इसमें सिखों का योगदान है, ब्राह्मण्स का योगदान है, तो इसलिए धर्म का कोई संबंध नहीं इस भाषा का, और दुनिया के किसी भी इस्लामिक कंट्री में ये भाषा नहीं बोली जाती, सिर्फ ये सिर्फ भारत में जन्मी है, यहीं पली बढ़ी है और यही जवान हुई है और यही के लोग इसको बोलते हैं, इसलिए धर्म से आप इसको ना जोड़ें, ये भाषा उसकी होती है जो उसको बोलता है। मैं प्रोफेसर जहांआरा, मुझे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नामित किया है फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी की, मैं सदस्य हूँ और उस नाते, और इस कार्यक्रम का आयोजन भी फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के सदस्यों ने किया था, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी अतहर तुरत जैदी जी हैं, माननीय अतहर तुरत जैदी जी हैं, उन्होंने, उनके सुपरविजन में कार्यक्रम हुआ था।